हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर बायोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर। आपका ये चैप्टर 5 की है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिलेटेड है चैप्टर 5। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका भी जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो 11th 12th पास कर चुके हैं, 11th 12th में अभी हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। झारखंड में अभी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म नहीं निकले हैं, तो फॉर्म निकलने वाले हैं, तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनके लिए 2024 होगा, और बाद बाकी सभी स्टेट के लिए लगभग लगभग 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जितने पहले का होते हैं डियर, जितने ही पिछला क्वेश्चन आपको मिलता है उतना ही आपको हेल्प करता है। उससे ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से या किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज्यादा से ज्यादा करें डियर, और लवली सी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगे कंटेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ बना हुआ डियर, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं यदि पीडीएफ चाहिए तो। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, द रूट्स डाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ डी एस टीम आर, बेस ऑफ डी एस टीम आर, तने के आधार से निकलने वाली जड़े हैं। तो कहाँ से निकलेगा डियर, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, प्रॉप रूट्स, लेटरल रूट्स या फाइब्रस रूट्स, कौन सी रूट से आपका यहाँ पे निकलेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, देन राइट आंसर आपको कोट करना है। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, तो रूट्स देखिए, इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है आपको, रूट्स पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ के बारे में जानना है, फ्लावर के बारे में जानना है, फ्रूट्स के बारे में जानना है, सीड्स के बारे में जानना है, ये सब ये चैप्टर के अंदर में आपका है। यदि आप थ्योरी चाहते हैं डियर, बिल्कुल ही नोट से थ्योरी चाहते हैं चैप्टर, तो पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट इसी चैनल पे मिलेगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, तो इसमें आपका देखा जाए कि जो भी सब मोनोकोट्स जो होते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स आप लोग पढ़े होंगे, प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लाइफ के लिए होता है, प्राइमरी रूट जो होता है डियर क्या होता है, शॉर्ट लाइफ के लिए होता है, छोटे है ना, छोटे समय के लिए होता है। प्राइमरी रूट क्या होता है, शॉर्ट लाइफ के, एंड रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के साथ में। ये रूट जो ओरिजिनेट करता है डियर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम के साथ में, इसके साथ में करता है फाइबरस रूट सिस्टम के साथ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दूसरा में पूछा गया है कि आपका निमोटोफोर्स अकर्स इन, निमोटोफोर्स अकर्स इन तो पाए जाते हैं किसमें, तो हेलोफाइट्स या फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, या फिर देखिएगा आपका कैरेनिवोरस प्लांट या सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर, निमोटोफोर्स अकर इन, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शंस कौन सा जाएगा, ऑप्शंस ए जाएगा, क्या जाएगा इसमें, ऑप्शंस ए जाएगा, यानी कि हेलो फाइट्स, आपका हेलो फाइट्स आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये जो है डियर कहाँ ग्रो करता है, तो ये आपकी पानी में ग्रो करता है, वाटर के साथ ग्रो करती है। ठीक है, और ये जो आपकी है हाई आपका साइलेंट्री होती है सच है, जैसे आपका इसका नाम है मार्सेस एरिया में पाया जाएगा, मार्सली एरिया में, या फिर आपका स्वेम्पी एरिया में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा डियर, स्वेम्पी या मार्सली एरिया में आपका पाया जाएगा। ठीक है, इस एरिया में ज्यादा ये पाया जाता है। जो रूट्स इसकी होती है सच एज प्लांट्स कम्स आउट द ग्रैंड एंड ग्रीव करता वर्टिकली अपवर्ड, जो रूट्स इसका होता है वर्टिकल अपवर्ड में आपका ग्रो करेगा डियर, सच रूट्स आर कॉल्ड कहलाता है नोमैटोफोर्स। ये नोमैटोफोर्स किसको कहते हैं हम लोग, नोमैटोफोर्स ये आपका कहलाया कि जो भी रूट्स होते हैं जो आता है आपका आउट दी ग्रैंड एंड ग्रीव वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, ग्रैंड एंड ग्रीव वर्टिकल अपवर्ड सच रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर्स। ये हेल्प किस में करता है डियर, ये हेल्प करता है गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन देता है फॉर किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए निमेटोफोर्स। इसमें राइट आंसर जो हुआ है हेलोफाइट्स, और ये कहाँ पे पाया जा रहा, कहाँ ग्रो करेगा, पानी में, ये याद रखिएगा, सच है स्वैम्पी एरिया और मार्सेस एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड,
स्वीट पोटैटो, शकरकंद एक संशोधित प्रकार का आलू है। तो इसमें आपका क्या होगा, स्टेम होगा, एडवेंटियस रूट्स होगा, टैप रूट होगा या राइजोम होगा। तो शकरकंद क्या होगा डियर, स्वीट पोटैटो क्या हो सकता है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका एडवेंटियस जो रूट्स होते हैं डियर, इसमें राइट आंसर बी होगा, क्योंकि आपका स्वीट पोटैटो एडवेंटियस रूट्स होता है। ये जो रूट्स होता है, जैसे आपका स्वीट पोटैटो, ये आपका गेट सोलोनन एंड स्टोर करता फूड को, ठीक है ना। क्या करता है, गेट सोलोनन, सोलोनन का मतलब डियर बिल्कुल थोड़ा सा फूला हुआ टाइप है ना, स्लो एन एंड आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करता है किसको, फूड्स को, ठीक है, एडवेंटियस रूट्स, इसमें हमारा स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर नंबर में क्या पूछ रहा है डियर, फोर नंबर में कि रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, मूल रोम निम्नलिखित क्षेत्र से विकसित होते हैं, रूट्स हेयर्स, तो मैचुरेशन, एलोंगेशन, रूट कैप या मैरिज मैटिक एक्टिविटी, चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका रूट से हेयर जो पूछा है डियर, ये आपकी क्या होती है, ये आपका होता है देखा जाए वेरी फाइन, क्या क्या होता है, फाइन होता है, डेलिकेट होता है डियर, ठीक है, ये सारे इसमें होंगे, थ्रेड लाइक होता है क्योंकि हेयर है आपका थ्रेड लाइक, आप नोट्स भी बना सकते हैं डियर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, फॉर्म करता है, फॉर्म मतलब बनना होता है, फॉर्म फ्रॉम किससे करेगा डियर, ये बनेगा किससे, फ्रॉम एपिडर्मल सेल से, किससे बनता है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, एपिडर्मल सेल से, आप लिख सकते हैं डियर, इन रीजन बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन, बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन डेट इज, जैसे कि मैचुरेशन रीजन कौन सा आएगा, डेट इज मैचुरेशन रीजन, और आपकी जो एब्जॉर्व करता है डियर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल से, जो एब्जॉर्व करेगा पानी और मिनरल्स को किससे करेगा, मिट्टी से करेगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ डियर, मैचुरेशन, ये बिहाइंड रीजन और पीछे की ओर एलोंगेशन डेट इज मैचुरेशन, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइव में डियर, रूट्स प्ले एनसी आपका इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, जड़े जल अवशोषण में नगण्य भूमिका निभाती है, यानी कि रूट्स जो है प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, पानी का, पिस्टिया, पी विट, सनफ्लावर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, ये आपके राइट आंसर इसमें ऑप्शंस ए जाएगा, पिस्टिया, ये क्या है डियर, पिस्टिया, तो ये फ्लोटिंग रूट है, क्या है आपका, फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग का मतलब फ्लोट करना होता है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग रूट्स है जो ऊपर ऊपर से आपका फ्लोटिंग रूट्स, ओके, ये पिस्टिया, और वाइट स्पंजी होती है, और एराइज करता फ्रॉम द नोड स्ट्रीम एंड स्टोर करेगा एयर, एराइज कहाँ से होगा, ये फ्रॉम द नोड से, नोड्स होता है ना डियर, ऐसे नोड्स जो यहाँ पे गांठे होती है, ठीक है, यहाँ यहाँ नोट्स जो बना रहता है, नोट्स ऐसे ऐसे, ये नोट्स एराइज करेगा और आपकी स्टोर करेगा एयर को, हेल्प करेगा प्लांट्स को, मदद करेगा रिमेन ऑन द वाटर सरफेस, जितना वो बचा रहेगा सरफेस सतह में पानी, उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लांट्स को, ठीक है, तो ये आपकी क्या हुआ, इसलिए भूमिका निभा रही है पिस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सिक्स नंबर में क्या है डियर, छठा नंबर में आपका कह रहा है सिक्स नंबर में कि इन आर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ योर रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द फोर जोन्स अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, किसी जड़ के अनुदैर्ध्य खंड में सिरे से ऊपर की ओर चार क्षेत्र निम्नलिखित क्रम में होते हैं, चार क्षेत्र निम्नलिखित क्रम में होते हैं, जैसे रूट कैप होगा, सेल डिवीजन, सेल मैचुरेशन, सेल एनलार्जमेंट, या सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल मैचुरेशन, रूट कैप, या सेल डिवीजन, सेल मैचुरेशन, सेल एनलार्जमेंट, रूट कैप, या रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, या सेल मैचुरेशन, तो इसमें आपकी राइट आंसर छठा में क्या होगा डियर, किसी जड़ के अनुदैर्ध्य खंड में सिरे से ऊपर की ओर चार क्षेत्र निम्नलिखित क्रम में होते हैं, चार क्षेत्र निम्नलिखित क्रम में होते हैं, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर,
इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा, यानी पहले रूट कैप होगा, फिर सेल डिवीजन, सेल का एनलार्जमेंट होगा, देन आपका सेल मैचुरेशन होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, रूट्स जो होता है डियर कवर किया जाता है एट द अपेक्स बाय द रूट कैप, एट द अपेक्स बाय द रूट कैप। ये जो होता है फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट जो होता है कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वेयर सेल डिविजन टेक्स प्लेस। ये सेल जो होता है डियर प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडर गो रैपिड एलोंगेशन में होता है एंड इनलार्ज होता है जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन कहलाएगा। दिस केस में राइट आंसर जो हुआ डियर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 7 नंबर में क्या पूछा है, न्यूमेटिक फोर्स आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है। इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डियर देखिएगा, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्सलियन स्लैंटी लेक में, या फिर आपका वेजिटेशन विच फाउंड इन स्लैंट सॉइल में, या फिर जीरोफाइट्स में, या एपीफाइट्स में, कहाँ पाया जाएगा। 7 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ए आएगा डियर, यानी वेजिटेशन जो होगा विच फाउंड इन मार्सली एरिया में पाया जाता है और आपका स्लैंड लैक। ठीक है, तो ये आपका डियर राइट आंसर हुआ, 7 का ए हुआ। इसमें देखा जाए कि जो भी सम प्लांट्स होते हैं सच एज आपका राइजोफोरा, ठीक है डियर, जो इसमें राइजोफोरा प्लांट्स हैं ग्रो करता है स्वैम्पी एरियाज में, मेनी रूट्स जो होते हैं, कुछ रूट्स जो होते हैं डियर कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो करेगा वर्टिकल अपवर्ड। हमने क्या दिखा था, वर्टिकल अपवर्ड में ग्रो करेगा और इसमें गेट ऑक्सीजन करे देगा फॉर किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। सच रूट्स दैट इज कॉल्ड नेमेटोफोर्स, जो कि मैंने हम लोग पहले ही देख चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द प्लांट हैविंग द लार्जेस्ट फ्लावर इज, द प्लांट सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासाइट, या एपिफाइट्स, या टोटल रूट्स पैरासाइट, या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो सबसे बड़ा फूल वाला पौधा, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर, तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, इसके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर, टोटल रूट्स पैरासाइट। क्या होगा डियर, टोटल रूट पैरासाइट, सबसे बड़ा जो फूल वाला पौधा होता है डियर। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ, RAFF, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, FFLESIA। क्या हुआ डियर, ये पढ़ाएगा क्या, रेफेलसिया आपका एरनोल्डी, एर नो नोल्डी, एरनोल्ड आई, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, दो आई है। तो ये आपका क्या हुआ डियर, रेफेलसिया एरनोल्डी, ये सबसे बड़ा पौधा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है एंड इट इज टोटल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है, ये टोटल रूट पैरासाइट होते हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट है और विथ नो विजिबल लीव्स रूट्स और स्टेम। इसमें किसी भी तरह का ना ही पत्ता दिखाई देगा, ना ही रूट्स दिखाई देगा, ना ही स्टेम दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, टोटल रूट पैरासाइट, जिसमें आपका रेफेलसिया एरनो एरनो रेफेन, क्या है डियर, रेफेलसिया एरनोल्डाई, ठीक है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर में वेलामेन इज फाउंडिंग, वेलामेन निम्नलिखित में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो रूट्स ऑफ देखिएगा इसमें स्क्रोपाइन है ना, दूसरा में आपका दिया है एरियल एंड टेरेसियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, तीसरा में लीव्स ऑफ फाइकस इलास्टिका, और चौथा में एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला मेन कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर 9 नंबर में क्या होगा डियर, तो इसमें 9 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा कि एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो वेला वेला मेन जो है तो पाया जाता है एरियल रूट्स ऑफ ऑर्कराइट्स में। ठीक है, रूट्स के बारे में एरियल सब एरियल लो ग्राउंड ऐसा पर अंडरग्राउंड के बारे में जानेंगे डियर, यदि थ्योरी आपको चाहिए तो इसमें आपको पाया जाएगा। इट मेनी एपिफाइटिक ऑर्किड्स आर एरियल रूट्स आर कवर करता है पाया आपका हाइग्रोस्कोपिक वेलामेंट टिश्यू, ये ऑब्जर्व जो करेगा डियर पानी फ्रॉम द किसे एटमोसफेयर से, जो पानी को ऑब्जर्व करता है एटमोसफेयर से। नेक्स्ट देखिएगा, 10 नंबर में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है बोगनवेलिया,
स्टोन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनवेलिया में कांटे किसके रूपांतरण है? स्टिपोल से, एडवेंटियस रूट से, स्टेम से, लीफ से। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या होगा? तो 10 नंबर में राइट आंसर डियर बोगनवेलिया, जो कांटे जो होते हैं डियर कहाँ से पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, स्टेम से। कहाँ से होगा? स्टेम से। एक्सिलरी बर्ड डियर, एक्सिलरी बर्ड, एक टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड तो लास्ट में होता है डियर। एक्सिलरी बर्ड यदि पौधा से है, पत्ता यहाँ से बना हुआ डियर, कांटे वाले जो भी कांटे वाले, तो यहाँ से आपका निकलेगा डियर एक्सिलरी बर्ड ऐसे करके। तो ये चीजें जो डियर एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाई इनटू होल्डिंग। देन आपका स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन होता है डियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट को बचाने के लिए, और ये जो पाया जाता है डियर सच एज बोगनवेलिया, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखिएगा डियर, आपका 11 में क्या कह रहा है? स्टेम्स मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गेन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस। ये सब PYQ है डियर, आपका कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैं यही क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपका 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तने चपटे हरे अंगों में परिवर्तित हो गए जो निम्नलिखित कार्य करते हैं। ऑफ लीव्स आर नॉन एज, यहाँ भी है डियर, ठीक है ना, तो पत्ते से रिलेटेड। और लीव्स आर नॉन एज क्या कहलाएगा? क्लैडोड्स कहलाएगा, या फिर देखिएगा फाइलोड्स कहलाएगा, या फाइलोक्लेड्स कहलाएगा, या स्केल्स कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा डियर 11 नंबर में? तो राइट आंसर 11 नंबर में डियर ऑप्शन सी जाएगा, फाइलोक्लेड्स। क्या होगा? फाइलोक्लेड्स कहलाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था डियर? कैन स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गेन्स, फ्लैट ग्रीन ऑर्गेन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीव्स आर नॉन एज, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? दैट इज नॉन एज, फाइलोक्लेड्स कहलाएगा। यानी ये क्या होता है डियर, स्टेम्स जो होता है मॉडिफाई किया रहता है, फ्लैट ग्रीन ऑर्गेन्स परफॉर्म किया जाता है फंक्शन ऑफ लीव्स का, कार्य करता है पत्ते का कार्य के बारे में, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं डियर? फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल में बात करेंगे डियर इसको क्या होता है, ओपुंसिया। यदि एग्जांपल यदि इसका पूछता है डियर एग्जांपल के बारे में, तो ओपुंसिया आप लोग सुने होंगे यदि थ्योरी अच्छा से पढ़े होंगे तो, ओपुंसिया, ठीक है। ये हो गया एक आपका, और एक आपका यूफोरिया, ये दोनों था डियर। ओपुंसिया क्या है? फ्लैट एंड स्टीम होता है, ये चपटा होता है डियर, क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्लैट में ये फ्लैट होगा, ठीक है। और आपका एक यूफोरिया था एग्जांपल में डियर, जो कोई यूफोरिया, ठीक है। ये क्या होता है डियर? ये आपका सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। क्या था? फ्लैटेंड स्टेम था, वो कौन सी है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल इसका है, किसका? फाइलोक्लेड्स का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा 12 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर स्टेम मॉडिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम रूपांतरण नहीं है? तो पिक्चर्स ऑफ देखिएगा नैप्थिस, या थोन ऑफ सिट्रस, या टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपेंसिया, कौन सा नहीं है डियर? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम का रूपांतरण नहीं है? तो 12 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? तो 12 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, पिक्चर्स ऑफ नैप्थिस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हुआ डियर, क्या हुआ? ए। इसमें क्या है डियर कि लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं ऑफ सर्टेन आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सच एज पिचर्स प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं पिचर्स प्लांट्स, जिसको हम नैपथिन्स के नाम से जानते हैं। एंड एक और आपका है डियर, वेनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड लीव्स, और इसको क्या कहते हैं? पत्ते को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो ये स्टेम रूपांतरण नहीं। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम, है ना, खाद्य भूमिगत तने का एक उदाहरण है। तो इसमें पोटैटो होगा, कैरोट होगा, ग्राउंड नट होगा, स्वीट पोटैटो होगा। 13 में राइट आंसर जो एडिबल अंडरग्राउंड पूछा है डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, पोटैटो। क्योंकि ये जो 13 का ए आंसर राइट होगा, एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम बिकम्स फ्लेसी एंड ट्यूबरस होता है डियर, ड्यू टू किसके वजह से? ये आपका स्टोरेज करता ऑफ फूड, दैट इज पोटैटो, गिंगर, टर्मेरिक, आपका जमीनकंद, और आपका आपका एक कोलोकेशिया जिसको हम कहते हैं कंदा, या फिर अरबी, है ना। तो ये सब आपका क्या है डियर, एग्जाम्पल जो पूछा गया अंडरग्राउंड का। तो कौन कौन से एग्जाम्पल रहा याद रखिएगा, पोटैटो, गिंगर्स, आपका टर्मेरिक, जमीन कंद, और आपका एक कोकोलसिया,
इसको हम अरबी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, 40 नंबर में आपका क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको कथनों को सही समूह की पहचान करना है कि चार ऑप्शंस में, ये पांच ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से कौन सा आपका सही है, 14 का इसमें से कौन सा सही है। तो द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थ्रोन इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया, ये एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, या स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन ओपुंसी एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, या राइजोफोरा सो वर्टिकल अपवर्ड ग्रो रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, या फिर देखिएगा सब एरियली ग्रो करेगा स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं डियर, ऑफलाइन क्लासेस चाहिए या आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स में 10th में हो, अभी 11th 12th की क्लास लेना चाहता है और मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है डियर, तो मेरे यहाँ जरूर उसको भेजे, हजारीबाग के अंदर में इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 11th से ही प्रैक्टिकल आपको, और आपको पूरी प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं डियर, ब्लड से लेकर आपको इंस्ट्रूमेंट से लेकर सारे कुछ सिखाए जाते हैं, और आपकी ये एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट भी लिए जाते हैं सेम फीस में, जो भी फी रहता है 11 का वही फी में डियर, और आप लोग के 11 के भी पूरा प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, सेम वैसा ही 12th में भी होगा डियर। तो आप डेफिनेटली एक बार काउंसलिंग के लिए आए, यदि आपको नंबर चाहिए डियर तो 8 9 2 9 9, यहाँ पे ये नंबर है डियर, और 8 7 8 5 3, इस नंबर में डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इसमें आपको सारा जानकारी दे दी जाएगी, 8 9 2 9 9 8 7 8। करेक्ट है डियर, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि राइजोफोरा शो करेगा वर्टिकल अपवर्ड, ग्रो करेगा रूट्स दैट हेल्प करेगा गेट ऑक्सीजन फोर, किसके लिए डियर, रेस्पायरेशन के लिए। राइजोफोरा भी मैंने पढ़ा था निमेटोफोर्स में, राइजोफोरा जो कि निमेटोफोर में क्या था डियर, वर्टिकल अपवर्ड ग्रो कर रहा था रोड्स और हेल्प कर रहा था किसके लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, ये जो आपका एक्सिलरी बर्ड्स की बात करेंगे डियर, ये एक्सिलरी बर्ड्स होता है ऑफ द स्टेम ऑफ, मॉडिफाई करता है इनटू वुडी लकड़ी को, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन इन सिट्रस और आपका बोगनवेलिया, किसके किसके डियर, सिट्रस और बोगनवेलिया, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, 14 का ऑप्शन डी हुआ। यहाँ पे देखिए डियर कि सब कुछ यहाँ पे दिया गया, यानी कि आपका एक सीक्वेंस में पूछा था, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बी सी डी एंड ई सारा का सारा सही है, और यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट पूछा था सेट में, और आपका ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा आपका क्या है, रॉन्ग है डियर, ए ए सिर्फ रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड स्टीम्स होता है जिसमें आपका सिट्रस एंड बोगनवेलिया होता है, ठीक है। यहाँ पे लीफलेट्स बता रहा है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, लीव्स बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइनी, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, क्या होती है, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, कोनियन होगा, सिल्क कॉटन होगा, ओपुंसिया होगा, या फी होगा, कौन सा होगा डियर 15 में। तो 15 में राइट आंसर ओपुंसिया होगा डियर, ओपुंसिया ये आएगा इसका। तो इसमें ओपुंसिया लीफ बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस करता है ट्रांसपायरेशन अंडर आपका जीरोफाइटिक एडेप्टेशन से, अंडर किसमें, जीरोफैटिक एडेप्टेशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया फाइलोड इज प्रेजेंट इन, फिलोड किसमें मौजूद होता है, ओपुंसिया में, या फ्याप्रेगस में, या इफोरिया में, या आपका देखिएगा ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। तो राइट आंसर 16 में कौन सा होगा डियर, तो ऑप्शन डी जाएगा, ऑस्ट्रेलियन आपका एकेसिया, ये जो करियर इसमें होता है ये प्रेजेंट होता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, कौन फाइलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 में डियर क्या कह रहा है कि वॉर लीड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, जालीदार देखिएगा सिरा विन्यास के साथ चक्राकार सरल पत्तियां निम्नलिखित में पाई जाती हैं, टाइना रोज, या फिर एस्टोनिया, या फिर देखिए कैलोट्रोफिस, या फिर नीम। तो राइट आंसर 17 में क्या जाएगा डियर, 17 में राइट आंसर क्या होगा, इसमें जालीदार सीरा विन्यास के साथ चक्रकार सरल पत्तियां निम्नलिखित में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी बी होगा, एल्स्टोनिया में, किसमें, एल्स्टोनिया में। ये वर्ड सिंपल लिप्स जो होता है डियर, रेटिकुलेट वेनेशंस आर प्रेजेंट इन एल्स्टोनिया,
सम जो होगा मोर देन टू लीव्स होता है, राइज करता है एट द नोड एंड फ्रॉम द वॉल, एट द नोड और फ्रॉम द किसेडियर फ्रॉम द वॉल्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे डियर, कि एबिलिटी ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू, वीनस फ्लाई ट्रैप की कीटों को पकड़ने की क्षमता निम्नलिखित के कारण है, तो स्पेशली देखिएगा स्पेशलाइज्ड मसल्स लाइक सेल्स, या केमिकल स्टिमुलेशन बाय प्रे, या रैपिड टर्गर प्रेशर चेंजेस, या पैसिव प्रोसीजर रिक्वायरिंग नो स्पेशल एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इसमें 18 में राइट आंसर दियर ऑप्शन सी जाएगा, क्या जाएगा, रैपिड टर्गर प्रेशर चेंजेस। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका वीनस फ्लाई ट्रैप की कीटों को पकड़ने की क्षमता निम्नलिखित के कारण है, तो रैपिड टर्गर प्रेशर चेंजेस के कारण होता है। इसमें लेमिना ऑफ लीव्स जो होता है डियर, वेनस फ्लैट ट्रैप मॉडिफाई किया जाता है किस जॉ, उसका जबड़ा जो होता है ना, और जॉ बियर सेंसिटिव होता है ब्रिस्टलेस और द सेंसिटिव टू टच स्टिमुलाई, बिल्कुल सेंसिटिव होता है। वेन द इंसेक्ट टचेस देयर हेयर कॉजेज, इसमें क्या होगा, रैपिड टर्गर प्रेशर किया जाएगा चेंजेस विच क्लोज द लिफ ताकि पत्ते को क्या कर सके, पकड़ सके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, चूज द करेक्ट मैचेस, देखिएगा ब्लेड व्हाट आपका सेंट्रल वेनस फ्लैट ट्रैप, और देखिएगा सही मिलान चुनने जिसमें ब्लेड व्हाट सेंट्रल वेनस फ्लैट ट्रैप, देखिएगा नैपथिन्स आपका डेयोनिया या डोर्सा, या फिर नैपथिन्स आर्टिकुलेरिया या वेंडा, या फिर आर्टिकुलेरिया डोर्सेरा आपका डायोनिया, या डायोनिया ट्रैपा वेंडा। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर, 19 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, आर्टिकुलेरिया अब्ड्रोसिया और आपका डायोनिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसमें सी आंसर सही होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ देखिएगा ब्लेड वॉट सैंडवी वेनस फ्लाई ट्रैपर, साइंटिफिक नेम है डियर जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेरिया, फिर आपका डोरोसेरा और आपका डायवेनिया रिस्पेक्टिवली, ये तीनों। तो यहाँ पे वही चीज पूछा था कि ब्लैड वॉर्ड आपका सैन जो है वेनस फ्लैट ट्रैप का दूसरा नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना था, तो ऑप्शन सी होगा डियर वो तीनों का नाम। नेक्स्ट एंड लास्ट डियर 20 तक ही पढ़ाएंगे, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और ये प्रीवियस ईयर है डियर, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप लोगों को समझना है। यदि वीडियो सच में अच्छी लग रही हो डियर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है डियर 1999 में पूछा हुआ कि विच पेयर इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन सा जोड़ा कीटभाजी पौधों का है, तो देखिएगा डोर्सेरा एंड आपका वेलिसनेरिया, या आर्टिकुलेरिया एंड हाइड्रेलिया, या फिर देखिएगा अल्ट्रोवेंडा एंड आपका आर्टिकुलेरिया, या फिर देखिए रेफेलसिया एंड डायमिया। तो यही था डियर जो आपका पाया जाता है फ्लावर, लार्जर फ्लावर क्या था, रेफेलसिया। तो ये इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर 20 का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं डियर, 2-3 पार्ट, इसमें 4 पार्ट भी जा सकते हैं सीरीजेस, तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। और झारखंड के लिए आप लोग परेशान नहीं हो डियर, वैकेंसीज जरूर आएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पैरामेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम सभी के लिए आएगा। थैंक यू।